सबसे पहले कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा सारी पूरी टीम को और एवरीवन अराउंड हेयर, इम्तियाज़ भाई जो उसके जान है, अरुण सर और जो इसके जिगर हैं, और मैं जो छोटी मोटी कमांड हाथ में ले लेता हूँ। नहीं, ये लाले दी जान, लाले दी जान। सो दिस द प्रोजेक्ट बेसिकली प्यार में कुर्बान। इट्स अ फिल्म अबाउट लव, कन्विक्शन एंड पावर, और एक रिवेंजफुल स्टोरी है जहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसमें रोमांस है, रोमांटिक गाना है, इसमें आइटम सॉन्ग है, इसमें सैड सॉन्ग है, इसमें आप बोले तो एक एक कन्विक्शन के साथ में स्टोरी बताने की कोशिश की है मैंने, और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि इसको आज की जनरेशन के हिसाब से वी शूट एंड प्रोजेक्शन एंड इवन सारे एक्टर्स, हम लोग एक टीम की तरह काम करते हैं। तो इट्स आई ऑलवेज सी ऑन माई इंटरव्यूज, ऑलवेज इन एवरी प्रोजेक्ट, एवरी फिल्म दैट आई डोंट डू फिल्म, आई ऑलवेज मेक न्यू फैमिलीज, और सर के साथ ऑलरेडी मैं एक काम कर चुका हूँ, तो आई वेरी फॉर्चुनेट। तो ये जो एक पिलर हैं वो सामने हैं, और आई एम होपिंग बेस्ट के आगे भी हमारा जो थोड़ा बहुत शूट बाकी है वो अच्छे से स्मूथली हो। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जुबेर के लिए, जुबेर की किलर इंस्टिंक्ट भी देखी है और जुबेर की मैंने विनिंग इंस्टिंक्ट भी देखी है। ये तारीफ करना बहुत लाजमी है बिकॉज जुबेर इज़ सच अ जेंटलमैन, ही इज़ ए नेवर से डाई, ही इज़ नेवर से डाई, एंड इसको जो करना है वो करता है, एक बार लग जाता है तो फिर लग जाता है। मेरी ये दूसरी फिल्म है इनके साथ में, पहली फिल्म है न्याय द जस्टिस, इट इज़ बेस्ड अपॉन सुशांत सिंह राजपूत, उसमें आपने सुशांत सिंह राजपूत का रोल किया है और वो रूप दूसरा था, ये रूप नया है, उसमें मैंने महेश भट्ट साहब का रोल किया है और उसमें एक मैंने गाना भी गाया है, लिखा है, कंपोज़ किया है। इसमें देखा जाएगा कि गाने संगीत का क्या होता है आगे जाके, लेकिन वर्किंग विद जुबेर इन ए न्यू गार्ब दैट इज़ डायरेक्टर, इट्स अ प्लेजेंट, इज़ अ प्लेजर, इज़ अ प्लेजेंट सरप्राइज ऑल्सो। ही इज़ कूल एज ए कुकुम्बर जब ये एज ए डायरेक्टर होते हैं, और मुझे लगता है कि मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मैं पहली बार एक नए डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूं, और इसको याद करवाना पड़ता है बीच बीच में कि भाई साहब आप इस फिल्म के हीरो हो, बिकॉज ही इज़ ए टीम मैन, ये टीम के साथ में है और ही इज़ ए टीम मैन, अपनी टीम का बहुत ख्याल करते हैं। एंड यस, वी हैव गॉट अ न्यू विलन फ्रेंड एंड ही इज़ इम्तियाज़ भट्ट साहब, और इन्होंने आपने देखा ही होगा कितना अच्छा काम किया है और ये आगे भी करेंगे, इनमें बहुत जोश है, इनका जोश सनक वाला है, सनक वाला, पाजी आ जाओ, हुणे आ जाओ, आ जाओ, कर लो, आ जाओ, नहीं, इजी मैन, इजी इजी इजी, ही इज़ ए विलन, ही इज़ ए न्यू विलन, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, कि एक नया करेक्टर आता है, एक नया विलन आता है, एक नया जोश आता है, और सबसे बड़ी बात है कि इट्स अ फन वर्किंग विद द जनरेशन, न्यू जनरेशन, देयर इज़ अ न्यू राइटर हु हैज़ रिटन ब्यूटीफुल लाइंस, देयर शी इज़ अ हीरोइन, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, देयर इज़ वन अ गुड डांसर, शी इज़ अ ब्यूटीफुल टॉल गर्ल, और ये सारा कुनबा इकट्ठा किया हुआ है जुबेर ने, और जुबेर अपनी टीम का बहुत ख्याल करते हैं। ये फिल्म बहुत अच्छी बन रही है, ये फिल्म बहुत अच्छी बन रही है, जिस मोमेंटम के साथ में, जिस स्पीड के साथ में शुरू हुई है उसमें इनका बहुत योगदान है, एज ही इज़ अ प्रोड्यूसर ऑल्सो, इनका योगदान बहुत अच्छा है। ये वो प्रोड्यूसर्स में से हैं जो अपनी शर्ट भी बेच दें एक अच्छे शॉट के लिए, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। क्या बात, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर, आई नेवर फेल्ट लाइक, बिकॉज क्या होता है, एज अ डायरेक्टर इफ यू गेट सो मच ऑफ लिबर्टी फ्रॉम द प्रोड्यूसर, यू नो, सो देन द ओनली द आउटकम विल बी पॉसिबल। एंड मुझे इम्तियाज़ भाई के साथ बिकॉज मेरी कुछ पर्सनल ऐसे कुछ रिलेशंस रहे हैं, बिकॉज आई 4 months बैक आई लॉस्ट माई डैड, एंड द मोमेंट आई गॉट दैट न्यूज़ एंड आई वॉज विथ हिम, सो मेरा कुछ पर्सनल कनेक्शन है इनके साथ में, और जो मैं फैमिली मानता हूँ, और इज़ माई बिग ब्रदर, आई ऑलवेज कॉल हिम एंड टेक हिम एज माई डैड। सो मैंने हमेशा जो भी काम किया है सेट पे, जहाँ पे भी कि कुछ भी रिक्वायरमेंट हुई एज अ डायरेक्टर, ही नेवर सेड नो,
और ही ऑलवेज ट्राई टू सपोर्ट मी कि कहीं पे भी हो, चाहे मेंटली हैं, चाहे इमोशनली मैं ब्रेकडाउन में हूँ, चाहे किसी भी चीज़ में, ही इज़ ऑलवेज देयर विथ मी. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड फॉर्चुनेट कि मुझे कुछ महीनों पहले ऐसा एक इंसान मेरी लाइफ में आया जो इम्तियाज़ भट्ट के नाम से हैं, और उनकी पूरी फैमिली, चाहे इबादत हैं, चाहे भाभी हैं, चाहे और एक और बड़े बेटे हैं जैब, छोटा बेटा है अनस, उनके साथ में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी दो गाने किए थे दिल्ली में जो आप लोग ने अभी देखे, तो वहीं से मेरा बॉन्ड बहुत ज़्यादा बना और ट्रस्ट आया. और इन एज अ मेकर, जब आपको एज अ डायरेक्टर आपको कोई कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है एंड यू यू फील कॉन्फिडेंट फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स साइड दैट वॉट एवर आई लास्ट ही विल गिव मी एंड वॉट एवर ही हैज़ टू डू ही ऑलवेज डू दैट एंड आई गेट ऑल द थिंग्स वॉट एवर आई नीड ऑन सेट. तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे एज अ डेब्यूटेंट, एज अ डायरेक्टर हिंदी फीचर फिल्म में डायरेक्ट करने का मौका सर को मिला, इम्तियाज़ भाई को मिला, और मुझे एज अ डायरेक्टर सारी लिबर्टी मिली फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड दैट इज़ अ बेसिक थिंग फ्रॉम every producer, every director expect, and that's why I'm so much fortunate and मेरा दिल का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है पूरी फैमिली के साथ. तो मुझे लगता है मैं काम नहीं करता हूँ, हम लोग पिकनिक में होते हैं हर दिन, हम लोग पिकनिक मनाते हैं और शूट कर लेते हैं, ऐसा है. जी तो क्या आपका क्राइटेरिया रहता है, क्योंकि आजकल के टाइम में लास्ट शो आई डिड नागिन एंड कसम तेरे प्यार की बालाजी को करने के बाद आई डिड नागिन, देन आई डिड मनमोहिनी ऑफ जी टी वी, एंड देन कोरोना के बाद फिर मैं कंटिन्यूसली फिल्म सी कर रहा हूँ एंड फॉर्चुनेट के मुझे न्याय मिली, न्याय द जस्टिस, इट्स अ वेरी वेरी बिग फिल्म फॉर माई करियर ऑल्सो, जिसमें मैंने कुछ 90 डेज शूट किया है, जी जान लगा दी है. फिर उसके बाद कंटिन्यूसली मेरी 6 फिल्म्स हैं रेडी टू गेट रिलीज, सो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं अभी टी वी में वापस जाऊँ, बिकॉज shooting films, I'm shooting songs and मैं web में काम कर रहा हूँ, और तो as a director तो बहुत double responsibility हो गई है. तो मुझे लगता है अगर आप, I would like to ask you one thing. जी सर. How you started as all out of the blues as a director? No, I would like to know. Sir, I'll tell you. It's not easy. Yes, it's not easy. Because I have worked in films and I have worked in TV shows and TV show में जितनी शिद्दत के साथ मैंने काम किया, even in Balaji, तो I always try to learn from elder people and मेरे जो show में मेरे seniors थे विभा छिब्बर जी और विजय कश्यप, वो सब NSD pass out हैं, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मैं I observe, और as a director क्योंकि मुझे पता नहीं कहाँ से after my dad मुझे एक चीज़ चाहिए थी, एक जुनून चाहिए था, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग टीवी शो एंड टीवी शो मेक्स मी सुपर बिजी, यू नो आई यूज टू डू 10 to 12 to 15 सीन्स इन अ डे, और मुझे वो बिजीनेस रखनी थी, आई वॉन्ट टू कम आउट फ्रॉम दैट थिंग, एंड बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन में आ गया था थोड़ा सा, तो ही वॉज देयर विथ मी एंड इंस्टेंटली वेन आई थॉट कि जब ये सारी चीज़ें हैं एंड द थिंग्स विच आई वॉन्ट इन अ टीवी शो और इन अ फिल्म. बट यू नेवर असिस्टेड एनीवन? आई हैव नेवर असिस्टेड एनीवन. ओके. मैं इवन आई विल टेल यू हर चीज़ मैंने कर करके सीखी है. एक्टिंग आई हैव नेवर डन, आई हैव ओनली डिड इंग्लिश थिएटर्स अंडर हबीब तनवीर सर बहुत पहले, उसके बाद मैं धक्के खा के और ऑडिशंस दे के और काम कर करके सीखा हूँ, और तो बस वहीं से चीज़ें आई हैं अंदर. और कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं जब आप अपना विजन बताते हैं तो शायद कोई डायरेक्टर कन्विंस ना हो, शायद दूसरे मेरे कलीग्स कन्विंस ना हो, बट मुझे पता है कि वॉट आई वॉन्ट एंड द थिंग्स, इफ द प्रोड्यूसर इज ट्रस्टिंग मी दैट ही जुबैर वॉन्ट्स दिस, सो इफ आई आई एम ट्रू टू माई सेल्फ, तो मुझे लगता है कि अगर मैं कन्विंस हूँ उस चीज़ से तो ऑडियंस भी कन्विंस हो जाएगी, तो और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है. तो ये सारी चीज़ें सर बहुत टाइम से मेरे दिमाग में थी, बट कहीं ना कहीं होता है कि एज एन एक्टर यू फील लिबरेटेड, एज एन एक्टर यू फील रिस्ट्रिक्टेड टुवर्ड्स योर वर्क एंड यू कुड नॉट एबल टू डू एनीथिंग विच यू वॉन्ट एज एन एक्टर और एज हीरो और प्रोटैगनिस्ट और एंटेगनिस्ट, तो वो मेरे से होता नहीं है, तो कभी कभार एज एन एक्टर आप हर्ट हो जाते. बट मुझे लगा कि अब जब ये कमान मैं ही अपने हाथ में ले लूँगा तो फिर आई वॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड, सो दैट्स द रीज़न. और सर बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं एंड मुझे लगता है शहर की एक बड़ी खूबसूरती है या बम्बई शहर की, यहाँ पे ठोकरें और धक्के जो हैं ये कभी कभी उस्ताद का काम करती हैं. Absolutely, और हमने बहुत जो ठोकरें उस धक्के खाए हैं, अल्टीमेटली वो ठुड्डे खा के गोल जाता है, फुटबॉल जो है गोल में जाता है, और सबके अपने अपने गोल्स हैं, इनका अपना गोल है, आपका अपना, आपने अपना नया क्रिएट किया है एज ए डायरेक्टर, एज एन एक्टर, इट्स अ प्लेजर विद ऑल द यंग जनरेशन, दे आर
सो हार्ड वर्किंग, सो हार्ड वर्किंग। और ये देखिए इनमें जोश कितना है, यहाँ पे एक 10,000 जो है वो किलोवाट का जोश है। बिकॉज द थिंग सर, आई ऑलवेज ट्राई टू वर्क विद यूथ, एंड चाहे हमारे DOP हैं, चाहे मेरी साथ की टीम की मेंबर हैं, डायरेक्शन में मुस्कान हैं, चाहे अजय हैं, सब उन लोग सारे के सारे आर और ऑफ माई एज या यंगर टू मी, तो चाहे हमारे राइटर हैं प्रदीप, सारे सबके सब, बिकॉज आई ऑलवेज टेक एवरी प्रोजेक्ट एज अ टीम। एंड ये तो ऐसा है कि यहाँ पे कोई भी, आई गेस एवरी वन इज सो यंग के फील ही नहीं होता है कि हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं, बट बिकॉज उनका एनर्जी इतनी है सर यूथ की, तो आई ऑलवेज गेट पेम्पर्ड ऑन सेट के यार मुझे ये चीज चाहिए तो ये मिल जाएगी, ये चीज। हमारे नए विलेन ने तो कुछ बोला नहीं अभी तक, अभी तो वो बोलने तो दो नहीं, वो आपसे बोलेंगे अब आप बोलिए। बेसिकली एक शेर आपने सुना होगा, बहुत मशहूर शेर है, हिम्मत ए मर्दा मदद ए खुदा। जब इंसान कोई हिम्मत करता है तो उसको मदद करने के लिए ऊपर वाला काफ़ी है, और इसके बाद अपनी मेहनत है। ज़ुबैर मेरा, उसको मैं बेटा मानता हूँ, बेटे जैसा है, छोटा भाई है, बेटा भी है। तो एक दिन इसने मुझे कॉल किया, बोला इम्तियाज़ भाई यार कुछ डिस्कशन करना है। मैंने कहा चलो डिस्कशन करते, क्या है? कहा यार डायरेक्शन करनी है। मैंने कहा कर लो, कल से शुरू कर लो, क्योंकि ज़ुबैर पर पहले से भरोसा है। और ज़ुबैर ने जब मेरे स्टार्टिंग में सॉन्ग्स कुछ किए तो मुझे लगा यार इसकी जगह यहाँ नहीं, कुछ आगे होनी चाहिए। तो मैंने काफ़ी इसके साथ जुड़ा, घर से मुंबई आया तो मैंने कहा शुरू कर लो, मैं आपके साथ हूँ। उसके बाद मैं एक टीम से मिला, जो सबसे मेरे अजीज़, मेरे जिनकी बहुत इज्जत करते हैं, पूरी उम्र इंडस्ट्री में दी है, अरुण सर, इनके साथ डिस्कशन हुआ तो फिल्म के बारे में। हमारे राइटर हैं, राइटर जी प्रदीप भाई, उसके साथ डिस्कशन हुआ। हमारे DOP अजय जी, मुस्कान, उनके साथ डिस्कशन हुआ। तो जब मैंने पूरी टीम देखी तो मुझे लगा नहीं, ये हमारे कदम सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। मेरा लग रहा है ऐसा कि मुझे इस पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जैसा भी हो। और उसके बाद जब मेरी टीम हायर की, बहुत सारे ऑडिशंस लिए, उसमें से हमने सिर्फ एक लड़की को चुना जिसका नाम है नताशा, जो हमारी जो आइटम सॉन्ग है जिसमें वो डांस कर रही है, और इतना बखूबी निभाया कि अनबिलीवेबल कि कितना बढ़िया किया उसने। हमारी जो मेन लीड हीरोइन रोमा, तो अनबिलीवेबल, वो सीरियल्स में काम करती है, इतनी बड़ी फिल्म पहली बार कर रही है, और उसकी वजह से और चकाचौंध हो गई मेरी फिल्म। Absolutely. और उसके बाद मेरे जीशान भाई है जो इंस्पेक्टर का रोल करें, उसने अपना किरदार काफ़ी सारी वेब सीरीज कर चुके हैं, काफ़ी अच्छी अच्छा काम किरदार निभाया। फहीम, परवेज़, शाहरुख, जितने भी अपने कास्टिंग है, Absolutely. तो बहुत ही बढ़िया किया साहब ने। और मैं सलाम करता हूँ अपनी सारी टीम को, लाइट से लेकर कैमरा से लेकर जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं और जितने भी सपोर्ट से लेकर, उनको मैं सलाम करता हूँ। अगर वो नहीं होंगे तो मैं ये काम नहीं कर सकता। डेफिनेटली डेफिनेटली, यहाँ पे हमारे आएंगे समय, यहाँ पे हमारे हर टीम का एक एक बंदा बैठा है, चाहे इवन द स्पॉट और द प्रोडक्शन और द डायरेक्शन। एज ए एक्टर मैं, मेरा बेटा इबादत को लॉन्च कर रहा हूँ, लॉन्चिंग है, और मैं भी अपने आप को एज ए विलन देख रहा हूँ, कुछ अच्छा कर सकता हूँ तो पब्लिक के सामने दे दूँ। नहीं, आप कर रहे हो, पूरी उम्मीद है, डूइंग अ गुड जॉब, पूरी उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगा। जब सर को आया तो पूरी उम्मीद है, अच्छा काम, बस आपका साथ चाहिए। और मैं अभी रिसेंटली और एक वेब सीरीज करने वाला हूँ, उसकी अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, साइरन द फियर। तो उसमें हम एक मुंबई पुलिस पर वो ये वेब सीरीज है 100 एपिसोड्स की, बस इसके बाद फौरन हम उस पर जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है। मुझे भी थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था पहले, लेकिन अभी कुछ इतनी अच्छी गुड न्यूज मिली और आई गॉट रिलीव। मैंने सबसे पहले फोन इम्तियाज भाई को किया था और आई वॉज वेरी हैप्पी, एंड इट इज गेटिंग रिलीज। एंड हमारी कुछ फिल्मों को जुकाम और खांसी लगती है लेकिन वो भगवान जो है वो हर काम अच्छा कर देता है। अगर एक विचार पैदा होता है तो विचार जन्म लेता है, उसके बाद में उसको सेलुलॉइड पे ट्रांसलेशन किया जाता है, फिर वो रिलीज़ होता है। हमारी फिल्म बहुत जल्दी एक बहुत ही शानदार, आई एश्योर यू विद कन्विक्शन, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हमारी फिल्म बिक गई है, एक बहुत ही बड़ा बैनर ने उसको ख़रीदा है, और ये कल की खबर
है जो हम आपको आज दे रहे हैं, शायद हमारे जो आगे सीनियर्स हैं उन्होंने कहा है कि कुछ दिन रुक जाओ छोटा लोग, उसके बाद में इसका जश्न करेंगे। विद इन 90 डेज यू गाइस विल बी गेटिंग द बेस्ट ऑफ द अपडेट। हमारी जब ये प्यार में कुर्बान शुरू हुई तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान मेरे एक मित्र हमारे भाई साहब तस्लीम जी है, तो तस्लीम जी की वजह से भी हमें काफ़ी बैकअप मिला है फिल्म को लेकर। तो अभी कुछ और इसमें हम डालने वाले हैं, बिल्कुल एज ए रिच फिल्म की तरह हम इसको बनाने वाले हैं। अभी कुछ शूट पेंडिंग है वो ख़त्म करके, तो हमें उम्मीद है कि हम इसको ईद पर यानी कि ईद कुर्बान बकरा ईद पर हम इस फिल्म को रिलीज़ करेंगे। तो अभी आप आपको अपनी एक एक टीम से आप उसे मिल सकते हैं। सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे हमें रोमा जो मेन लीड हीरोइन हमारी है, प्लीज। थैंक यू सो मच आप सबको, आप सब अपना टाइम निकाल के हमारी बिग डे के लिए आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। माय नेम इज़ रोमा अरोरा। मैंने मेजरली टीवी किया है, द मोस्ट फेमस वन वॉज कुंडली भाग्य, कम्स ऑन जी टीवी, एंड करंटली आई एम वर्किंग ऑन कथा अनकही फॉर सोनी। And I have lot of gratitude in my heart because jab mujhe approach kiya Zubair ne that he's planning a shoot, ek short film ban rahi hai. Actually humne hum dono ne ek shimaro ki web ki thi saath mein, and there I was into talks with the sir ke hum log kuch karne wale hain backdrop mein, and I was shooting with her, so I thought ki approach her only. So because she is very fantastic. That was a lucky thing for me ki hum logo ne saath mein ek shoot kiya, and he saw me and he was like I am planning something, ek short film shoot kar rahe hain, and I was like okay theek hai, do teen din ka shoot hai, I'll manage, okay. But then eventually to my surprise itni cheeze badhti gayi, and I was like ओके ये तो शॉर्ट फिल्म थी, इतना फैंटास्टिकली इन्होंने शूट किया, सरप्राइज हुआ दैट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच। एंड अभी ये फीचर फिल्म की तरह रिलीज हो रही है, इम्तियाज सर ने ये कॉल लिया कि यू नो इतना अच्छा शूट कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज सो यू नो हार्ड वर्किंग एंड फोकस्ड, एंड स्पेशली जुबेर, आई हैव सीन हिम वर्किंग लाइक हम लोगों का 18-19 आवर्स शूट हुआ था, and he was like focused, and you know it's very difficult to act as well as direct because you have to see the shot, because being a director you just see the shot and the actors go and perform. He is a totally multi talented and I was very much surprised. It's speechless, we can't express anything. Correct. About him, it's not easy to don two easy hats at the same time, and he has done it very very well. Thank you. बिकॉज नॉर्मली आप लोग ऐसा देखेंगे नहीं कि एक्टर ही डायरेक्ट कर रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो कुडोस टू हिम एंड ही इज डन अ फैंटास्टिक जॉब। द टीजर इज जस्ट सर हैज बिकम द लेजेंड नाउ बाय डूइंग ऑल दीस थिंग्स, सो मैं उन्हीं के पास पे चल रहा हूं। एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर या एग्जैक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन, ऑल टीम, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड ऑल द एक्टर्स। और जैसा कि सबने कहा, जुबैर सर का परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल है, उनकी डायरेक्शन, उनका एक्टिंग, और मैंने जुबैर सर से सीखा, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी गाइड किया कि ऐसे करते हैं, टेक्निकलिटी ऐसे होती है, एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस, डांस, डायलॉग डिलीवरी, एवरीथिंग। तो जुबैर सर ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, और जो हमारी पूरी टीम है बहुत पूरा मज़े के साथ रहते हैं, हम पूरा सेट पे फैमिली की तरह, लगता ही नहीं ऐसे कि मतलब सीरियसली स्ट्रिक्टनेस वगैरह कुछ है नहीं, तो मज़ा भी आता है, जब काम करने में मज़ा आता है तो प्रोडक्ट उसका रिजल्ट भी वैसा ही अच्छा होता है। Absolutely. और ये बिल्कुल काफ़ी मज़ा आया, और आपने तो टीज़र देखा होगा, आई होप सबको पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह ऑडियंस को भी पसंद आएगा, जो हम काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है, जब फुल फिल्म रिलीज़ होगी इंशाल्लाह जल्दी सबको पसंद आएगी, सबने काम बहुत अच्छा किया है, डायरेक्शन अच्छी है, एक्टिंग सबकी अच्छी है, और फिल्म एक अलग देखने को मिलेगा आपको कुछ सबको। मैं आपको इबादत के बारे में एक बात बताना चाहूँगा, बिकॉज यू नो व्हेन आई वाज 19-20 आई हैड दैट जील इन माय माइंड टू डू समथिंग एल्स, बट व्हेन आई मेट हिम, बिकॉज क्योंकि इबादत इम्तियाज़ भाई के बेटे हैं, तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को वो 19 साल का जो लड़का था जुबैर के खान वो देखा, और बिकॉज ही सो टैलेंटेड, यू नो हमेशा मैं बोलता हूँ कि शायद किसी एक हीरे को निखारने के लिए जौहरी की ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ मुझे लगा कि शायद मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ, बिकॉज आई डायरेक्टेड हिम ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी डायरेक्टेड हिम इन द टू सॉन्ग्स आई गेस, उसके बाद फिर ये तीसरी फिल्म मिली, तो मुझे लगता है कि
एक बंदा जिसको इतना टैलेंट है, ही इज अ वेरी गुड सिंगर, इज वेरी गुड परफॉर्मर, इज लुक सो गुड. हम लोग आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ. रिसेंटली वी आर हैविंग डिनर समवेयर अराउंड इन अंधेरी एंड हम खा रहे थे तो एक कॉम्प्लीमेंट दूर से एक लेडी आई और उनकी बेटी उनको कॉम्प्लीमेंट कर रही थी कि प्लीज़ हम इतनी देर से वी आर नोटिसिंग दिस गाय दैट ही इज सो गुड लुकिंग, सो गुड हेयर, ओ माई गॉड, के हम तो फैन बन गए मेरी बेटी आपके. तो मैंने कहा कि द लॉन्चिंग हैज नॉट हैपेंड एंड ही ऑलरेडी गॉट फैंस. So, because I know as a director, whenever I have seen him in front of camera, क्योंकि क्या होता है, because छोटे भाई का character करना, मैं already थोड़ा बहुत काम किया हुआ हूँ, रोमा तो बहुत experience है, तो जब हम सीन करते हैं तो मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि ही कुड नॉट एबल टू स्पीक अ सिंगल लाइन. ही आई फेल्ट लाइक ही इज डूइंग सो नेचुरली एवरीथिंग एंड आई फेल्ट लाइक यार ही इज वेरी ट्रेन्ड. सो आई गेस 1920 में इतना टैलेंट होना, द गाय हु इज सिंगर, द गाय हु आपको अगर मिर्ची मिर्ची आपने गाना अभी सुना होगा टीजर में, द मेल पार्ट इज ही इज द ओनली वन हु सांग इट, यू नो. तो आप समझ ही नहीं सकते कि मैच्योरिटी के साथ में इतना गा देता है, इतने प्यार तरीके क्यूटली एक्टिंग कर देता है एंड ही इज वेरी गुड लुकिंग, ठीक है. और जो आप हम लोगों ने अभी ऑलरेडी एक गाना शूट किया है उसमें आपके इनके इतनी फिजिक वाले फीचर्स भी देखने को मिलेंगे कि ऑल गर्ल्स आई एम श्योर आई एम गोइंग टू गेट फ्लैटर्ड, यू नो. जुबैर सर की गाइड की वजह से, सपोर्ट की वजह से ये सब है, उनने काफी सपोर्ट किया इसलिए मैं इतना कर पाया. वो जैसे वो कह रहे थे एक हीरा को निकालना है, वो वही कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता है. तो उनमें वो टैलेंट था, उनने मेरा टैलेंट बाहर निकाला. I must say one thing, the star is born and it's Ibadat Bhatt. ये मैं conviction के लिए बोलूँ. मैं एक international model and actor हूँ. So मैं बहुत बहुत शुक्रिया और thank you बोलना चाहूँगी जुबेर का और इम्तियाज सर का कि उन्होंने मुझे एक इतना बड़ा opportunity दिया कि like इतनी बड़ी movie में एक item song करी और dancing. I'm a Bengali. सो आई एम अ डांसर ऑल्सो. सो मुझे अपना कला दिखाने के लिए कहीं कोई अच्छा एक प्लेटफॉर्म चाहिए था. जुबेर काफ़ी टाइम से बोलता हम लोग साथ में काम करेंगे और उसने इतना अच्छा मुझे काम दिया. थैंक यू सो मच जुबेर टू ट्रस्टिंग मी, क्योंकि मैं ये काम अच्छे से निभा सकती हूँ. मिर्ची मिर्ची सॉन्ग इज दैट एंड हमारे मास्टर जी मतलब माशाल्लाह और मतलब लाइक बहुत कम टाइम था हमारे पास में बट Everyone did so good और इतना comfortable team थी and thank you everyone team और जिन्होंने मुझे इतना like motivate किया और then support किया. खासकर इम्तियाज सर तो always और जुबेर always बोलते थे मास्टर जी बोले homework करना. So I did my best. तभी आपने गुड लक पिक्चर देखी होगी जिसके कोरियोग्राफर भी सर ही है, तो काफी thank God और बहुत सारी pictures जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से मतलब दिल जीत लिया सर ने, दिल जीत लिया. जिशान सर मास्टर जी बहुत और अपने थैंक यू जुबेर. जुबेर ने मेरे को बहुत बड़ा मौका दिया इस फिल्म में जुड़ने के लिए. बहुत अच्छा गाना है और इन्होंने बहुत अच्छी तरह किया है. इम्तियाज भाई ने सर के लिए लास्ट में टीजर दिखाएंगे जी. थैंक यू थैंक यू. बोल दो क्या अपने बारे में बताओ. वेल मायसेल्फ मीर फहीम फ्रॉम कश्मीर एंड नाउ आई एम सेटल्ड इन मुंबई. अभी मॉडलिंग करता हूँ और एक्टिंग करता हूँ. इम्तियाज भाई से मिला हूँ दादा साहेब फाल्के अवार्ड में, एज अ शो स्टॉपर किया था मैंने वो एंड उसके बाद थोड़ी सी एक्टिंग वगैरह से करा एंड उसके बाद इम्तियाज भाई से मिला तो बोला हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऐसे. मैंने बोला ठीक है और एल्बम्स किए मैंने बाकी चीज़ें. तो जब मैं इस प्रोजेक्ट में जुड़ा पहली बार तो पहले जब मैंने स्टोरी सुनी तो मैंने इम्तियाज भाई को बोला कि भाई स्टोरी जो है वो मतलब यूनिक है, अलग है, डिफरेंट है, तो कैरेक्टर क्या है. तो बोला भाई आप आ जाओ फिर देखते हैं कैरेक्टर का, देखते हैं क्या होगा. तो जब किया तो लगा ही नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल जब सेट पे जाते और देखते बाकी शूट्स पे मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि जल्दी से करो ये करो वो करो. बट जब मैं इम्तियाज भाई के शूट पर आया एंड किया सेट पर वो लगा ही नहीं हम शूट कर रहे. ऑब्वियसली हर शाम जैसे शूट चल रहा है ये पार्टी लगा ही नहीं मतलब शूट कर रहे हैं या बाकी चीज़ें. तो थैंक यू सो मच जुबैर भाई. जुबैर भाई ने डायरेक्ट किया एंड इम्तियाज भाई स्पेशली शहजाद भाई ने ही मिलाया था पहले. तो यही था जीशान. हाय मेरा नाम जीशान अहमद खान है और मैं हैदराबाद से हूँ. पिछले 10-15 साल से मुंबई में हूँ. काफ़ी फिल्में की एज अ लीड और सीरियल्स वगैरह भी किए हैं. मॉडलिंग करता ही रहता हूँ. तो ये फिल्म के बारे में हमारे प्रोड्यूसर इम्तियाज़ भाई बड़े भाई हैं मेरे.
उन्होंने बोला बेटा एक फिल्म बना रहा हूँ मैं, जिसमें ज़ुबैर डायरेक्शन कर रहे हैं, तो इसमें गेस्ट अपीयरेंस करना है एज अ कॉप, तो मना नहीं कर पाया मैं उनको, तो इसीलिए हम इस तरह से जुड़ गए इस फिल्म को, और ये है ही इतने प्यारे कि इनको मना कर ही नहीं सकते कोई भी कोई भी तो इस तरह से हम जुड़ गए इस फिल्म में, और अभी है काफ़ी कुछ बाकी है फिल्म में, तो वो तो आपको देखने मिल ही जाएगा, एक आध छोटा मोटा झलक तो देख ही लिया होगा आप सब ने, और काफ़ी कुछ है इसके बाद, हम काफ़ी कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ बाकी है अभी देखने के लिए बस। हाय, माय नेम संचिता और मैं कोलकाता से हूँ, और मैंने इससे पहले कन्नड़ा मूवी किया है और तेलुगु मूवी किया है, बंगाली टीवी एट, और ये बॉलीवुड मूवी है, सो मैं इसमें सेकंड लीड में हूँ, मायरा का कैरेक्टर है एंड लॉट ऑफ फोटोशूट। हाय, माय नेम इज़ शहजाद खान, मैं इसमें कास्टिंग डायरेक्टर भी हूँ और एक्टिंग भी इम्तियाज भाई के साथ कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगा टीम के साथ काम करके, और स्पेशल तो इम्तियाज भाई ने, मैं काफ़ी साल से हम लोग जुड़े हैं, तो ये हमारे भाई लोग हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, एक्टिंग है, ये संजीता है और काफ़ी हमारा रोमा जी है, तो बहुत अच्छा लगा काम करके, और सबसे पहले ज़ुबैर भाई ने जो अच्छा डायरेक्शन किया है, और हमने इनके साथ में, इम्तियाज भाई है, इनके साथ में मेरा ही कैरेक्टर है जो विलेन का कर रहा हूँ, इनका राइट हैंड हूँ मैं, थैंक यू सो मच। इम्तियाज भाई के बारे में